जी, इससे क्या इसलिए ना कम। अच्छा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खरीद से होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं बजना मानसरा के बड़ा खूबसूरत तीन इलाका है और ऐसा इलाके जहाँ से तकरीबन टोटली मानसरा आपको अपने कदमों तले दिखेगा। ये जो पहले जो मैंने आपको साइट दिखाई थी ये शिनकारी का बाज़ार है, आपने सुना होगा शिनकारी का नाम। अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ये बजना का शहर है ना जी, बजना का शहर, ये बजना का शहर है, वो सामने ड्रेसरन दे रहा है, ये बजना टॉप पे हम इस वक्त मौजूद हैं जी। और वो सामने मोटर वे गुजर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जी। ये सामने दोड़ियाल गांव, ये सामने स्नेही गांव है, वो इसी से आगे ये बेदादी, बेदादी से गुजरते हुए ये सामने शिनकारी, शिनकारी का शहर है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पहाड़ी के दामन में। और ये दरख्त भी दिखाया ना जो अभी नई गवर्नमेंट ने जी, ये ग्रीन पाकिस्तान के मनसूबे के तहत जी, ये बिल्कुल ग्रीन मनसूबे के तहत ये सब नए दरख्त हैं। दोस्तों बड़ी खूबसूरत जगह है, अगर आप लोगों को कभी बजना शिनकारी आने का मौका मिले तो बड़ा खूबसूरत मनाजर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल में लाइफ एंड टूर्स की भी यही काविश रहती है हमेशा हमारी के अपने व्यूअर्स को अच्छी से अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत इलाके का नज़ारा दीदार करवा सकें। तो आप लोगों को देख रहा होगा बड़े प्यारे प्यारे मनाजर हैं यहाँ पर माशाल्लाह। आज हम आए थे यहाँ पर विजिट कज़िन के पास आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को इस इलाके का दीदार करवाएं। जी माशाल्लाह, ये बजना का गांव है, पहाड़ी के दामन में माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गोलाई में बना हुआ गांव है, ये छोटा सा, इसमें 5-6 मस्जिद भी हैं और ये मोटर वे बिल्कुल मलहका है, साथ गुजर रहा है मोटर वे। तो दोस्तों देखें आप लोगों को कितना, एक तो ये हाइट पे और ये तीर की तरह इस इलाके के हुस्न को दुबला कर देते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि किसी इलाके की मशहूरी के लिए ये काम होता है कि वहाँ पे रोड अवेलेबल हो और साथ पानी वाफर मकदार में अवेलेबल हो। तो हम लोग आगे आपको ये भी दिखाएंगे, यहाँ से पाइपलाइन गुजरती है तकरीबन जो इस पूरे इलाके को पानी भी मैसर होते हैं उस पाइपलाइन से, और साथ ही से ड्रेसरन भी गुजर रहा है, वो भी हम आपको अभी जूम करके दिखाएंगे। माशाल्लाह, ये कोह टेंगलाई की पहाड़ी का छोटा सा सिरा आपको नजर आ रहा है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, कोह टेंगलाई जिसको भैया ने आपको बताया है वो सामने है।
और ये देखें दो तीन घर भी बने हुए यहाँ पे। ये आपको जूम कैमरे में देख रहे हैं, तो कुदरती मनाजर हैं, बहुत ही प्यारे। और ये सामने देखें एक मस्जिद है बजना के, ये आपको देख रही होगी जहाँ से धुआं भी उठा है, मस्जिद अबू ज़र ग़फ़ारी। और वो साथ आपको मोटरवे भी गुजरता हुआ देख रहा होगा, मैं और जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये जी ये मोटरवे भी मिलकर यहीं पास से गुजरता है। और वो जो आप लोगों को लास्ट में देख रहे हैं ये दरेसर में गुजर रहे यहाँ से, तो माशाल्लाह हसीन और जमील इलाका है और कुदरती माहौल से माला माल है। ये चीड़ के दरख्त आप लोगों को देख रहे होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो नया मंसूबा स्टार्ट किया था ग्रीन पाकिस्तान का, तो उसके तहत भी ये चीड़ के नए नए दरख्त उगाए हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों को देख रहे होंगे। इंशाल्लाह कुछ ही सालों बाद ये जगह भी मज़ीद सरसब्ज व शादाब होगी। और आस पास के मनाज़र तो आप लोगों को देख रहे होंगे, ये देखें ये भाईजान खड़े हैं। तो भाईजान आपकी याद कब, कितने अरसे से आपको पता है ये इलाका, इस इलाके के बारे में? इस इलाके के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदाइश ही है। कोई तारीख इसकी? यहीं की पैदाइश है, 1967 की पैदाइश है। 3-4 साल के बाद इस इलाके को जान पहचान बन गई। और ये हमारे जद अमजद मीर सैद शाह बाबा, ये उनकी सरजमीन है। और माशाल्लाह ये बजना टाप के हमें सूरत मौजूद है। ये सब इलाका में बचपन से लेके आज तक ये घुमा फिरा हुआ। अच्छा, हर जगह से वाकई बहुत ही लगा, बहुत ही बेहतरीन लगा मेरे। और मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट मानसर में सबसे खूबसूरत, हसीन और जमील और सबसे महंगी ज़मीन भी यही है। और आप लोगों को तकरीबन यहाँ से भाईजान ने पहले ही आपको बताया कि वो सामने डोडियाल का गांव है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आगे ही उससे आगे बिदादी भी बताई थी भाईजान ने, और वो सामने शिनाई का गांव भी बताया था। ये मैं कैमरा आप लोगों को दिखा रहा है जूम में, तो देखें ये आपको ऐसा ही फील होगा जैसे ये तकरीबन तमाम इलाका जात इस टॉप और इसकी ऊंचाई की वजह से जैसे आपके कदमों तले होंगे बिल्कुल। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग खड़े और सामने बजना शहर आबाद है। तो आप लोगों ने सुना होगा मरी जाते हैं लोग इस सब्ज़ार को देखने के लिए, ऐसी हाइट को पहाड़ी चोटियों। तो यहाँ पर लोग भी बड़े माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं। तो आप लोगों को जब कभी मौका मिला तो मानसरा से सिर्फ तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटे की फासले पर है। इस वक्त हम छपरगढ़ नाम पहाड़ के ऊपर बैठे हैं जी। ये छपरगढ़ जी, अच्छा बजने का मशहूर चोटी है, पहाड़ी है। तो ये आप लोगों होपफुली आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे। तो हमारे चैनल वाले लाइफ एंड टूर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेंबर के साथ। तो अभी हम लोग आए थे कुछ वक्त के लिए यहाँ पे, अभी वापसी का इरादा हमारा, तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद मुकम्मल दिखाऊंगा। चलें चलते हैं। जी जी, तो ये देखें जी, ये देखें पत्थर काट के बीच में पानी की बनाया हुए यहाँ के जंगली जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। ये देखें, अच्छा ये देखें जी मोटरवे चौक बजने यहाँ से नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मेरे ख्याल से आप लोगों को देखेंगे। ये मोटरवे चौक है जहाँ से 4 सड़कें आपस में मिलती हैं, ये बिल्कुल जहाँ से एक शेज़ और गाड़ी गुजर रही है आप लोगों को देख रही होगी। तो ये तकलीफ देखें,
तो बड़ा ही खूबसूरत इलाका है जी, जहाँ जिस जिसको मैसर हो सफ़र यहाँ का तो ज़रूर इस जगह भी आइएगा, आप लोगों को मंसर आपका हुसन का पता चलेगा।